जय हिंद साथियों, जितने सारे हमारे प्यारे भाई और बहन वीडियो को देख रहे हैं, बिहार पुलिस 21,391 के तमाम अभ्यर्थी जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने एग्जाम डेट का इंतजार में है, साथ ही साथ अपनी सफलता को पाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिहार पुलिस जो बोर्ड है CSBC द्वारा 6 चरणों में जो एग्जाम डेट जारी किया गया, साथ ही साथ 2 डेटों का एडमिट कार्ड आ चुका है। पहला डेट का एग्जाम जो है वो कल है, 7 तारीख को है, यानी आज सारे लोग, होम डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, तो काफी लोग आज अपने अपने घरों से एक नई उम्मीद, नई आशा, नई उमंग के साथ निकलेंगे, मम्मी पापा के सपनों को लेके, साथ ही साथ अपने सपनों को लेके आज जाएंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आप सभी से, जाइए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और इतना तो भरोसा जरूर दिला सकता हूं आप सभी को कि आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, उसको कोई नहीं मार सकता है। यानी यदि आप सच में मेहनत किए हैं और सच में आपको आपकी चाहत है कि नहीं भाई, हमको बिहार पुलिस में एक सीट लेना है, हमारी परिस्थितियां घर की और हमारा जो ड्रीम है प्रशासनिक क्षेत्र में जाने का, समाज में सुधार लाने का, देश सेवा का, साथ ही साथ राज सेवा का, मां भारती का सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए आप काफी दिनों से लगातार मेहनत कर रहे होंगे। 1,00,000+ रिजल्ट होगा, 21,391 पद हैं, 1,00,000+ रिजल्ट होगा। सबसे पहले देखिए अंतिम समय है, मम्मी पापा के सपनों के साथ आपका भी सपना है, मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए और घर से जब जाइए तो बस एक ही चीज सोचिए कि हम एग्जाम को बेहतर करें। जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो पैनिक नहीं हो, जल्दबाजी में नहीं रहे कि जल्दी जल्दी रंग लेंगे, टाइम है 2 घंटा, सोचे एक एक घंटा में सब बना लें, नहीं, हर एक क्वेश्चन पे प्रॉपर टाइम दीजिए। उससे पहले ओमार सीट को बढ़िया से भरिए, एकदम गोले को अच्छा से करिए, कहीं व्हाइटनर, कहीं नाखून, कहीं ब्लेड नहीं लगाइए, कहीं रोल नंबर गलती मत भरिए, पूरा आपका सपना बर्बाद हो सकता है आपकी एक गलती से। पता नहीं आप मेरे को, आपको ये जरूर पता होगा कि आपका लास्ट स्टेज है कि फर्स्ट बार आप बिहार पुलिस या कोई कंपटीशन के एग्जाम में आप पहली बार बैठ रही है, ये सिर्फ आपको पता है, आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में पता है कि यदि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या होगा आपके साथ, आपका परिवार का क्या होगा, आपका क्या होगा। क्योंकि खुद से अपने आप को बेहतर बनाने और साथ ही साथ खुद से खुद को ज्यादा जानने की किसी में कोई औकात नहीं होती है। आप खुद से खुद को बेहतर बना सकते हैं और खुद से खुद को बेहतर आप जानते हैं, आपको, आपके अंदर जो आग आपके सीने में जल रही है ये कोई नहीं जानता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो इसलिए आप काफी दिनों से लगातार, कुछ लोग सेल्फ स्टडी, कुछ लोग कोचिंग संस्थाओं से जुड़ के दिन रात तैयारी कर रहे हैं और बस तैयारी करने वाले बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि बस एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से बिना धांधली के हो जाए। तो जरूर कहा जाता है ना कि जब आपकी चाहत, आपकी सोच एक ईमानदार और निष्ठावान की तरह होती है तो दुनिया की पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के साथ हम थे, हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसीलिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक एग्जाम होगा। एग्जाम में रिजल्ट उन्हीं का होता है जो एग्जाम में पैनिक नहीं होते हैं, जो ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, शांति दिमाग से। आपको रिविजन करना था, जो भी टाइम मिला आपको, काफी टाइम मिला, आपने आपको जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, रिलैक्स हो जाए एकदम शांति माइंड से, एकदम शांति माइंड से हो जाइए, एकदम एग्जाम हॉल में बैठिए, रंग लीजिए बढ़िया से। उसके बाद मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत मत करना, क्योंकि कठिन तो सबके लिए कठिन है, इसलिए इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना। एग्जाम आपका अच्छे से जाएगा, एग्जाम में हम लोग भी पूरी कोशिश में है कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी, कोई धांधली नहीं हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर आपके साथ खड़ा और फिर
एग्जाम नहीं होगा, इतना तो जरूर जानिए एग्जाम जरूर कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस चीज को तो आप अपने माइंड से निकाल लीजिए कि एकदम एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इतना जरूर भरोसा रखिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, एक सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जमाना है। एक छोटी सी कोई बात होती है तो पूरा देश दुनिया जान जाता है, तो समझिए ये तो एग्जाम की ही बात है। इसलिए आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, इसीलिए आप एकदम शांति माइंड से आप जाइए एग्जाम दीजिए। हाँ, एग्जाम हॉल में ये चीजें तो ध्यान मैटर करती ही करती है, जैसे ही आप एग्जाम अच्छे से बैठे अच्छे से दे ले उसके बाद मैटर करता है फिजिकल। तो देखिए आज के जमाने में चाहे नई संस्थाएं हैं पुरानी संस्थाएं, हर एक संस्था ये जरूर दावा करती है कि हम बेस्ट हैं, हम नंबर वन हैं, हम नंबर वन हैं। जो आज खुलेगी जो कल खुलेगी वो भी कहती है हम नंबर वन हैं, आपने इससे पहले कितनी रिजल्ट दिए क्या किए उससे उसको नहीं मिलता, सब बोलता है कि हम नंबर वन है। चाहे वो फिजिकल से लेके आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाइएगा तो हर आदमी सिर्फ एक ही बात कहता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर दिए, हमने वो कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब इतना ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा, बहुत ऐसे भाई हमारे बहने वीडियो को देख रहे होगी, हमने एक दरोगा भर्ती को उठा के देखा, हमने देखा कि सबसे ज्यादा कहीं सिलेक्शन हुआ तो सेल्फ स्टडी वाले लोगों का हुआ, लेकिन फिर भी शिक्षकों ने क्या बोला कि मेरा यहाँ ये हुआ, मेरे यहाँ ये हुआ वो। अरे ठीक है साहब, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि जितना आपने बोल रखा है, हमको पता है इस चीज को। बिहार पुलिस में भी सेम कंडीशन होगा, लोग अपने से मेहनत कर करके रिजल्ट लेके आएंगे लेकिन लोग कहेंगे कि हमने इतना रिजल्ट दिया, ये दिया वो दिया, तो आपको खुद पता है। इसीलिए मैं ये कहना ये साबित करना चाहता हूं कि यदि आप फिजिकल भी अपने से एक बार ठान लेंगे ना, जिससे सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं लाइब्रेरी में अपने घर में कहीं जाके शांत मुद्रा में तैयारी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार यदि आप एक बार ठान भी लेंगे ना कि नहीं फिजिकल अपने से कर लेंगे तो शायद किसी कोचिंग संस्थान की बिल्कुल सही बात है कि कहीं जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यदि आपको जुड़ना होगा, नहीं लगता है कि नहीं हमको एक ग्रुप चाहिए, हमको वहां जाना है, किसी के गाइडलाइन में तैयारी करना है, तो उसके लिए क्या देखिएगा। मान लीजिए गांधी मैदान में जाएगा 60 एकेडमी 50-60 रुपए, ठीक है हमारा वीडियो आप देखते हैं, किसी और का भी वीडियो देखते हैं, तो आपको क्या देखना है, क्या सोचिएगा, जाइएगा तो क्या सोचिएगा इसमें ले ले नहीं। जब भी कहीं जाइए दुनिया के किसी कोना में तो ये जरूर एक चीज देखिए कि जो हमको ट्रेंड करेगा जो हमको सिखाएगा वो क्या हमारे साथ मेहनत कर रहा है नहीं, क्या हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहा है। ये चीज जहां कहीं भी होती होगी आप वहां जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपका एक रिजल्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके और आपके परिवार के लिए, ये सामने वाले के लिए सिर्फ एक खेल हो सकता है, एक उसके लिए एक बिजनेस हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि आपका रिटेन पास होने के बाद, रिटेन एग्जाम देने के बाद यदि आप फिजिकल सही नहीं करते, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही 7 तारीख के बबाद एग्जाम खत्म होता है अगले 8 तारीख से हर लोग बैच लाएंगे, हम भी लाएंगे, सही बात है, 8 तारीख से बिहार पुलिस का बैच हम भी चालू करेंगे, एग्जाम अच्छे से हो जाता है तो बैच चालू होगा, लोग जुड़ेंगे आएंगे। आपके लिए आपका रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है हमसे बेहतर आप जानते हैं अपनी परिस्थितियों के बारे में, इसीलिए जब भी कहीं भी जाए कहीं भी जुड़े तो ये जरूर सोच लीजिएगा एक बार, ये जरूर देख लीजिएगा कि जिसके संरक्षण में जहां हम रह रहे हैं, जहां हम तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे रिजल्ट को लेके कितना एक्टिव है और कितना हमारे साथ मेहनत करता है, क्या हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर दौड़ता है, क्या हमें कंधा से कंधा मिलाकर हर चीज हर एक स्टेप में, वो चाहे आपका रनिंग हो, चाहे आपका हाई जंप हो, चाहे आपका वो शॉर्ट पुट है, बाकी रनिंग के साथ साथ आपको पता है कि आफ्टर रनिंग बिफोर रनिंग एक्सरसाइज होती है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, क्या करें क्या खाएं कि हमें और ताकत मिले, तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो इसीलिए जब भी जहां भी जाए जुड़े उससे पहले इन सारी चीजों को देख लीजिए कि हम जहां जुड़ रहे हैं क्या वो सच में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहा है, क्या हमसे वो ज्यादा मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो मैं जरूर कहूंगा कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो बिल्कुल कहीं भी अपने रिजल्ट को बर्बाद मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप लाखों की भीड़ से छटकर 1,06,000 प्लस में आ पा रहे हैं और वहां से आपको अच्छा करके 21,391 पद में आना होगा, क्योंकि कल के बाद काफी कुछ बदल जाएगा। 7 तारीख है ना, 7 तारीख एग्जाम जैसे ही होगा
काफी लोग जुड़ने लगेंगे, हम यहाँ जाए वहां जाए क्या करें नहीं जाए, कुछ लोग जाके जुड़ जाते हैं, उसके बाद बाद में बोलते हैं यार सर हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, ये हो गया। तो ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे लिए हो सकता है कि आपका रिजल्ट ये चल रहा बहुत लोग का हुआ इसका लिए चल, लेकिन आपके लिए आपका रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। आपको आपकी गरीबी का एहसास है, आपको पता है आपके मम्मी पापा के सपनों को, आपको पता है अपने सपनों को, आपको पता है कि आपके घर में कितनी दिक्कत है प्रॉब्लम है और कितनी परेशानी से आप पढ़ रहे हैं। इसलिए जब भी कहीं भी जुड़े तो इस बात का जरूर ख्याल रखे, ध्यान रखे कि हम जहां जा रहे हैं वो हमारे साथ कितना मेहनत कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।